अलका का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में एक गुजराती परिवार हुआ था। उनकी मां शुभा याग्निक शास्त्रीय संगीत गायिका थी। अलका ने शुरुआत पढ़ाई कलकत्ता के मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स से की। घर में संगीत का माहौल होने के कारण अलका की रुचि भी संगीत की ओर हो गई। अलका ने अपने करियर की शुरुआत महज 6 वर्ष की उम्र में कोलकाता आकाशवाणी से की, जहां वे भजन गाया करती थी। इसके बाद 10 वर्ष की उम्र में अपनी मां के साथ मुंबई आ गई। मुंबई में निर्माता निर्देशक राज कपूर से मिली, जिन्होंने उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलने की सलाह दी। अलका ने प्लेबैक सिंगर के रूप में अपने करियर की शुरुआत 1979 में प्रदर्शित फिल्म पायल की झंकार से की। हालांकि पहली बार उनके आवाज को लावारिस 1981 फिल्म के गाने मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है के लिए सराहा गया। साल 1988 में आई फिल्म तेजाब में अलका याग्निक ने गीत 1, 2, 3 गाया। इस गीत से उनको बड़ी पहचान मिली। इस गाने के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। अलका ने ज्यादातर गाने उदित नारायण और कुमार सानू के साथ गाए हैं। अलका भारत के 5वीं सबसे ज्यादा गाना गाने वाले प्लेबैक सिंगर हैं। उन्होंने 20,000 गाने गाए हैं। अलका ने साल 1989 में नीरज कुमार से शादी की थी। साल 1993 की फिल्म खलनायक में उनके गाए गीत चोली के पीछे क्या है पर खूब बवाल मचा था। उस दौरान लगभग 42 पॉलिटिकल पार्टियों ने इस गाने के खिलाफ आंदोलन चलाकर विरोध प्रदर्शन किया था। 1994 की सुपरहिट फिल्म हम हैं राही प्यार के लिए अलका को पहली बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद 1999 में प्रदर्शित फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलका 2 बार नेशनल अवार्ड और 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुकी हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा तमाम भारतीय भाषाओं में कई हिट गाने दिए हैं।